हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल JNP पे। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कूलर फैन में जो टुल्लू पंप लगा होता है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसको जो है प्रैक्टिकली चला के दिखाएंगे। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास ये टुल्लू पंप है जो कि देख सकते हैं कूलर में यूज होता है, आपको पता होगा। और इसे हमने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है, ऑनलाइन हमने नहीं लिया है। तो ऑफलाइन हमको ये 150 का पड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको नोटिफिकेशन दिए गए हैं, देख सकते हैं 1 यूनिट। इसके मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन करंट जो कि 160 से 240 वोल्ट फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेंज देख सकते हैं 1.5 मीटर तक की हाइट तक जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 18 वाट। और यहाँ पे देख सकते हैं यही नोटिफिकेशन वगैरह इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। तो हमने बॉक्स को खोल लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये पंप है इसमें। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम और बॉक्स को साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ये टुल्लू कुछ इस टाइप का है, प्लास्टिक से बाहर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक से बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्टा केयर कंपनी लिख कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी देख सकते हैं ये मोटर के कनेक्शन वगैरह जो कि अंदर ये फिक्स होता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, क्योंकि ये पानी के अंदर चलता है इसलिए इसे अच्छी तरीके से, और ये फिक्स है तो ये नहीं निकलेगा। तो इसको अभी हम टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके पानी के जो लेवल है, जो फोर्स है। तो इसके पानी के फोर्स की भी अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसके पानी के फोर्स जो है वो आपने देखा नोटिफिकेशन में, इसमें जो है कि 1.5 मीटर तक इसकी हाइट को दिया गया है, जो कि तकरीबन 6 फीट के करीब ही इसकी जो है प्रेशर रहेगी पानी की। तो इसको अभी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें ये पाइप लगाने के लिए सॉकेट दिया गया है, तो इसको हम इसमें टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट हो गया है, और इसे हम टेस्टिंग करेंगे। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो बगैर पानी का ना यूज करें। अगर आप लोग बगैर पानी का यूज करेंगे तो ये जल जाएगा। तो हम इसे पानी में डाल के इसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसके वायरिंग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से टेपिंग कर लिया है ताकि जो करंट की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमने देख सकते हैं एक बाल्टी पानी ले लिया है। तो अब इसको हम पानी में डाल के उसके बाद हम इसको चालू करेंगे। तो पहले हम मोटर को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें तुरंत पानी में डालेंगे, सूखे में नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑन कर लिया है मोटर को, अब हम इसे पानी में डाल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको पानी में डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में डालते ही इसके प्रेशर देख सकते हैं काफ़ी हाइट तक ये जा रहा है। हालांकि हमारे पास पानी कम है जिसकी वजह से देख सकते हैं ये उतना नहीं जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं 6 फीट के करीबन ये जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा पानी उठा रहा है हमारा पंप। तो कभी भी हम इसको देख सकते हैं पानी ख़त्म हो गया है, तो कभी भी हम पंप को अगर चलाएं तो कभी भी पानी में रख के चलाएं, सूखो जो है कि सूखे में पंप को ना चलाएं दोस्तों। अगर सूखे में अगर आप पंप को चलाएंगे तो पंप आपका ख़राब हो सकता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें। तो आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से इसे टेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है और अब हम इसे हम चल के लगा लेते हैं दूसरे कूलर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।